उसमें हम ना क्रीम भी डालेंगे। तो अब हम इसको रैप करने लगे हैं। फर्स्ट ट्राई में मेरा फर्स्ट ट्राई में हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम के साथ आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ और मौसम दोपहर से। और इस टाइम हम लोग जो हैं वो रेडी हो रहे थे कि हम लोग थोड़ा सा बच्चों को बाहर लेके जाएंगे। और अभी जो आप वॉइस ओवर मेरा देख रहे हैं वो रात के 3 बजे मैं कर रही हूँ। इस वजह से आपको ज़रा थोड़ी सी मेरी आवाज़ ज़रा सोई सोई और बैठी बैठी लगेगी, क्योंकि बस सुबह में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और इतनी नॉइज़ होती है कि बस बंदा ना नहीं कर सकता। और आपको पता है व्लॉग एडिट करने के लिए जो है ना वो एक ख़ास टाइम चाहिए। और यहाँ पे मैं बच्चों को कह रही थी कि बस अब ना निकलते हैं, क्योंकि बच्चों का दिल होता है कि हर दिन जो है ना वो कहीं ना कहीं जाया जाए या आउटिंग की जाए। तो बस फिर ये देखें गाइस, हम मुकाबला करवाने लगे हैं अर्श और किरत के दरमियान। और वो देखें, वो इनके मामू हैं, वो खड़े हैं, वहाँ तक इन्होंने जाना है। आप इधर इधर खड़े हो, मैं उधर पहुँचती हूँ, फिर आप आए। और ये देखें जी, ये मोहम्मद बैठ लेके फिर रहा है। और ये है मामू, और यहाँ से जो है ना वो बच्चे आएंगे और डेस्टनी है इनकी मामू। अब देखते हैं कौन जो है ना वो जीतता है। ये तो बड़ी आसानी से अर्श जीत गया है। दोबारा से चलो, वन टू थ्री गो। अर्श ने मुझे पकड़ लिया और आप किरत जीतती है। आप लूज कर गए। अच्छा चलो गाइस को कहो कि फिर मजा आया आपको, बताओ फिर कर लेते हैं। अच्छा गाइस इनका कोई पता नहीं, ठीक है आपको, आई होप आपको मजा आया होगा एक छोटे से मुकाबले का। जी तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं अरेबियन शवारमा। ये है चिकन का है कीमा, उसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। और अब इसमें ताशी डाल रहा है लेमन, ताकि वो जरा खट्टा मीठा अच्छा सा टेस्ट, प्लेजेंट सा टेस्ट आ जाए। आप इसका कीमा करवा लेना, वैसे आप क्यूब्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने कीमा यूज किया। ये डिपेंड करता है आप, चॉइस है। इसके जो है ना बीज, आप इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसका खुश्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर डालनी है। बीज आपने रिमूव कर देने अच्छी तरह से। अच्छा चिकन में और तो कोई चीज़ नहीं भी ऐड की, नमक वगैरह कुछ भी नहीं भी करना। अभी वो भी कर इसी में, अभी भी सो मैंने कहा मैं बाकी चीज़ें दिखा लूँ। ये देखें जी, ये हैं वो सब्जियां जो इसमें जाएंगी, बंद गोभी, खीरा और गाजर। और ये है प्याज, प्याज भी जाएगा ना, प्याज भी जाएगा। अच्छा ये वाली जो रेसिपी है ना वो है ताशी की, तो वही बनाएगा उसे पता। ये देखें जी, ये हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और इसमें हम ये दूसरी भी डालेंगे। ये दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें आपकी टेस्ट के मुताबिक हो सकते हैं, आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा वेनेगर। वेनेगर कितना जाएगा? तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसमें नमक डालेंगे, तो कितना नमक जो है ना वो इसमें आएगा? तकरीबन कोई 1 चम्मच। एक चम्मच चलें, ठीक है, सही हो गया। अब खुश्क धनिया भी, खुश्क धनिया को हम अच्छी तरह से जो है ना वो मिक्स करके ना, मतलब हाथों में क्रश करके तो फिर डालेंगे, ताकि वो उसकी जो स्मेल है ना, हाँ वो फ्राई कर लिया। ऐसे कर देना ऐसे करके, तो मुझे ना इसकी स्मेल बड़ी मजेदार लगती है। हाँ नहीं नहीं इसकी स्मेल हर जितनी भी हो ना उसकी सबकी स्मेल जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। ये देखें जी, अब इसमें जा रहा है गरम मसाला। हम क्रीम डालेंगे, लेकिन मैंने वो दूसरी थी जो घर की ना, घर की भी ऐड कर सकते हैं आप, ये भी ऐड कर सकते हैं, टेट्रा पैक वाली जो है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इतनी सी जो है ना वो इसमें हाफ से ज़्यादा जो है ना आप इसमें क्रीम जाएगी। ये देखें जी, ये अच्छी तरह से जो है ना वो मिक्स हो रही है। और इसको हमने मैरिनेट करने के लिए कितनी देर तक हमने रखना है?
तकरीबन कोशिश तो यही होती है कि 2-3 घंटे एटलीस्ट जो है ना वो हो, और अगर 2-3 घंटे नहीं तो 1 घंटा मस्ट है, 1 घंटा मस्ट है, क्योंकि इसकी सारी हर्ब्स का जो टेस्ट है ना वो इसमें अच्छी तरह से आ जाएगा। और दूसरी साइड पे मैं कटती हूँ इसकी वेजेस जो है वो कट, और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है अमेरिकन गार्डन का वेनगर, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम मैं ये वाला यूज़ करने लगी हूँ। और इस तरह की स्ट्रिप्स में, हाँ वैसे आप ये भी ले सकते हैं आप इको का भी ले सकते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। एनीवे ये वो सिरके हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं ना, खाना खाने के लिए, हाँ जी। और ये इसमें आपने डाला है सिरका, इसमें डालना है आपने ये जो वेजेज है उनको हमने अच्छी तरह से जो है ना वो क्रश कर लिया हुआ है सबको। प्याज है इसमें, वो सारी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो वाली, इसको इसमें और इसमें दोनों में सिरका डाल के जो है ना वो आपने इनको रख देना है। आपको डाल के भी दिखाती हूँ, ये ना इस तरह से आपने इसको इसमें डाल लेना है, और ये वाली इसमें भी, ये देखें। हाँ जी दाशी जी, ये फ्राई होगा ऑयल में अभी, ठीक है, ये अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। तो ये अभी हम इसको रैप कर देंगे, ढक्कन दे देंगे, ठीक है। ठीक है जी, इसको हम कवर करके तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जी ये है हमारे शवारमा ब्रेड, और ये देखें इसकी लुक्स, अभी नीचे हमने आंच इसकी दी हुई है हल्की सी है। ये देखें, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको तवे को ग्रीस कर लिया, और शवारमा ब्रेड को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखें जी, हमने इसको हल्का सा, ये देखें जी, इस पर हमने लगानी है, लेकिन इसकी तो हमने नहीं बताया ये क्या है, मायोनीज है इसमें, नहीं ये वो है सीक्रेट रेसिपी। अच्छा चले, आपने कोई भी जो है ना वो मुंह में पानी आ रहा साथ, हाँ तो इसी पानी से काम चला लें बस। नहीं तो, आपने मायोनीज जो है ना वो इस पे लगा लेनी है ये साथ है। उसके बाद हमने ये वेजेस रखनी है, वेजेस को आपने छोटा छोटा जैसे मैंने आपको बताया था सिरके में भिगो लेना है, और आफ्टर दैट आपने इसमें एक खीरा रखना है ये साथ में, और उसके बाद हमने इसमें करनी है इसकी फिलिंग, फिलिंग डालें मामू अच्छी सी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले, और अब इसको हमने करना है रैप, नहीं क्रीम भी तो डालनी है, अभी क्रीम डालनी है। ये देखें जी, हम इसमें केचप डाल रहे हैं, ये देखें जी बोली ख़त्म हो गई थी, चलो बस बहुत है इतनी बाबा के लिए ये। और उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, क्रीम डालनी है, ये देखें जी, ये हमने इसमें क्रीम डाल दी है। वैसे हम दूसरे शवारमे में ना वो भी डालेंगे क्रीम, भी क्रीम नहीं डाली है, मायो डाली है, दूसरे में हम ना क्रीम भी डालेंगे। तो अब हम इसको रैप करने लगे हैं, फर्स्ट ट्राई में मेरा, फर्स्ट ट्राई में हो जाएगा। ये देखें जी, ये हमारा शवारमा डन हो गया है, मैं मोहम्मद को खिलाने लगी, मोहम्मद खाएं खाएं माशाल्लाह मम्मा यम्मी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है, ओए होए 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 बहुत मजा बना, जबरदस्त। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये देखें जी, ये है प्लेटर, एक मैंने वैसे बांध वाला शवारमा खाया, और एक ये प्लेटर जी मोहम्मद मैं देने लगी हूँ आपको, ये ले, और ये है भैया का, और बस अल्लाह ताला आपको सानिया दे, और सानिया तकसीम करने की भी तौफीक दे इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में जरूर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।